हेलो एवरीवन, दिस इज हिमानी भारती एंड आई एम अ टीचर ऑफ केंद्रीय विद्यालय संगठन। इन दिस वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट एलिजिबल एज फॉर एडमिशन। केवीएस में बच्चे का एडमिशन कराने के लिए एज क्राइटेरिया क्या होता है, किस एज के बच्चे का एडमिशन केवीएस में किस क्लास में किया जा सकता है, मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो चलिए देखते हैं। अ चाइल्ड मस्ट बी 6 years old फॉर क्लास 1 एज ऑन 31st March इन द academic year इन विच एडमिशन इज sought। बच्चा अगर आप क्लास 1 में एडमिशन करा रहे हैं तो उसकी एज 6 years मिनिमम एज होनी चाहिए, ठीक है, और 31st March तक उसकी एज 6 years कंप्लीट हो जानी चाहिए। चाइल्ड बॉर्न ऑन 1st April ऑल्सो भी कंसिडर। अगर कोई चाइल्ड 1st April को बॉर्न हुआ है तो वो भी कंसिडर कर लिया जाएगा मिनिमम एज में, राइट। लेकिन आफ्टर 1st April उसकी एज को कंसिडर नहीं किया जाएगा। द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज लिमिट फॉर एडमिशन इन केंद्रीय विद्यालय इन वेरियस क्लासेस इज गिवन बिलो। और बच्चों की जो एज क्राइटेरिया चाहिए सभी क्लासेस में वो दिया हुआ है, वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ अभी। और जैसे कि बताया कि जो चाइल्ड 1st April को बॉर्न हुआ है वो भी कंसीडर किया जाएगा। तो देखिए, फॉर क्लास वन में जो मिनिमम एज है 6 years, बच्चे की एज जो मिनिमम है 31st March तक वो 6 साल की होनी चाहिए, बट लेस देन 8 years, लेकिन 8 साल से कम होनी चाहिए। फॉर क्लास 2 मिनिमम एज इज 7 years एंड मैक्सिमम एज इज लेस देन 9 years, 9 years से कम होनी चाहिए। फॉर क्लास 3 मिनिमम एज इज 8 years, बच्चा 8 साल का कंप्लीट हो जाना चाहिए, बट लेस देन 10 years ऑफ एज, लेकिन उसकी मैक्सिमम एज 10 साल से कम होनी चाहिए। फॉर क्लास 4 8 years, मिनिमम एज इज 8 years एंड मैक्सिमम एज इज लेस देन 10 years, 10 years से कम होनी चाहिए। फॉर क्लास 5 मिनिमम एज इज 9 years, बच्चा 9 year कंप्लीट हो जाना चाहिए और उसकी जो मैक्सिमम एज है वो 11 साल से कम होनी चाहिए। फॉर क्लास 6 मिनिमम एज इज 10 years एंड मैक्सिमम एज इज 12 years। फॉर क्लास 7 मिनिमम एज इज 11 years एंड मैक्सिमम एज इज 13 years। फॉर क्लास 8 मिनिमम एज इज 12 years एंड मैक्सिमम एज इज 14 years। फॉर क्लास 9 मिनिमम एज इज 13 years एंड मैक्सिमम एज इज 15 years। एंड फॉर क्लास 10 मिनिमम एज इज 14 years एंड मैक्सिमम एज इज 16 years। तो ये हमारा एज क्राइटेरिया है जो कि एडमिशन के टाइम देखा जाता है। इस एज के अकॉर्डिंग बच्चे को क्लास में एडमिशन मिलता है, राइट। इसके अलावा कुछ पॉइंट्स है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। कॉन्सिक्वेंट अपॉन द चेंज इन द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज फॉर एडमिशन इंट्रोड्यूस फॉर क्लास 1 इन द सेशन 2022-23, प्रोग्रेसिव चेंज इन द एज लिमिट फॉर द एप्रोप्रिएट क्लास विल बी कंटिन्यूड टू बी रिफ्लेक्टेड इन फ्यूचर टू। सेशन 2022-23 में क्लास 1 के लिए हमारी जो एज में चेंज आया था, पहले जो मिनिमम एज थी दैट इज 5, जो कि अब 6 years हो गई है, तो ये चेंज जो है फ्यूचर में भी हमारा मान्य होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट पॉइंट इज द मैक्सिमम एज लिमिट कैन बी रिलैक्स बाय 2 years इन केस ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स CWSN बाय द प्रिंसिपल। अगर कोई बच्चा चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड में एडमिशन लेता है, जो कि स्पेशल होते हैं हमारे बच्चे, तो उनकी जो मैक्सिमम एज है वो 2 years जो है बढ़ा दी जाती है और उनका एडमिशन कंसिडर्ड किया जाता है। जैसे कि मैक्सिमम एज फॉर क्लास 1 में 8 है, तो फॉर CWSN चिल्ड्रन वो मैक्सिमम एज हमारी 2 years प्लस होके 10 हो जाएगी। इस तरह से सभी क्लासेस में ये मैक्सिमम एज +2 होती रहती है। नेक्स्ट इज देयर इज नो एज रिस्ट्रिक्शन फॉर एडमिशन टू क्लास 11। क्लास 11 के लिए एडमिशन में कोई एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, प्रोवाइडेड द स्टूडेंट इज सीकिंग एडमिशन इन द ईयर ऑफ पासिंग क्लास 10th एग्जामिनेशन। लेकिन बच्चा जिस साल में 10th क्लियर करता है उसी साल में उसे 11th क्लास में एडमिशन ले लेना है। सिमिलरली देयर विल बी नो अपर एंड लोअर एज लिमिट फॉर क्लास 12। ऐसे ही क्लास 12 के लिए भी एज लिमिट नहीं है, लेकिन उसके लिए भी कहा गया है देयर हैज बीन नो ब्रेक इन द कंटिन्यूअस स्टडी ऑफ द स्टूडेंट आफ्टर पासिंग 11th। लेकिन बच्चे की 11th पास करने के बाद ब्रेक नहीं आना चाहिए, मतलब उसी साल में अगर बच्चा जो है 12th में एडमिशन ले लेता है तो उसे कंसिडर किया जाएगा, अपर एंड लोअर एज लिमिट नहीं है। तो ये है हमारा एज क्राइटेरिया फॉर एडमिशन इन KVS। इस एज क्राइटेरिया को ध्यान में रखते हुए आप अपने बच्चे का एडमिशन KVS में करा सकते हैं।
थैंक यू सो मच एवरीवन।